लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप की मुश्किलें बढ़ गई है। अपनी ही पार्टी के पूर्व नेता की हत्या के मामले में दोनों भाइयों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। उसके बाद दोनों भाइयों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूर्णिया में RJD के पूर्व नेता शक्ति मलिक की हत्या ने तेजस्वी और तेज प्रताप की मुश्किलें बढ़ा दी है। पुलिस ने मलिक की पत्नी के आरोपों पर दोनों भाइयों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसके बाद जांच भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि DSP ने आनंद पांडे ने कहा कि शक्ति मलिक की हत्या के मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में कुल 6 लोग की अभियुक्ति बनाई गई है, जिसमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और अनिल साधु हैं। यह FIR मृतक नेता की पत्नी के बयान के आधार पर दर्ज किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि हत्या से पहले RJD नेता शक्ति मलिक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में शक्ति का आरोप था कि टिकट के बदले तेजस्वी 50 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, वही नहीं देने पर उन्होंने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए घर से बाहर निकाल दिया था। बाद में उन लोगों ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, ये लोग हमारी हत्या करवा सकते हैं। पत्नी ने हत्या के बाद कहा कि तेजस्वी और तेज प्रताप ने हत्या कराई है, ये लोग धमकी उसे मरवाने की धमकी देते थे। शक्ति मलिक की हत्या के बाद पत्नी खुशबू ने एक स्थानीय नेता कालू पासवान पर भी आरोप लगाया है। मलिक की पत्नी ने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा मिले, मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा एक ही सहारा था, अब मैं कहाँ जाऊंगी और अकेले क्या करूंगी, सभी को फांसी मिलनी चाहिए। तो क्या बिहार चुनाव के बीच तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी होगी? ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ Next9 भोजपुरिया से। सुरभि की रिपोर्ट। Next9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।